हेलो फ्रेंड्स एंड वेल्कम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लकी अल्टीमेट। तो गाइस आज की वीडियो में फिर से आपके लिए लेके आ गया हूं WWE 2K2022 का एक PSP मोड। मैं नहीं मानता। और गाइस इस PSP मोड में आप लोगों को ऐसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जिसको आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किसी भी WWE PSP गेम में ऐसे फीचर्स भी होंगे। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो अगर आप लोग इस गेम को खेलना चाहते हो तो यार वीडियो को अंत तक देख लो, और वीडियो को अंत तक देखते ही हो तो प्लीज यार वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी याद से कर लेना। तो विदाउट एनी वेट लेट्स स्टार्टिंग वीडियो ऑफ लकी अल्टीमेट। तो बता दो इस PSP मोड में आप लोगों को क्या क्या चीज देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, यहाँ पर आप लोगों को स्टार्टिंग पेज में जितने भी पेजेस मिलते हैं आप लोगों को टेक्सचर के साथ अपडेटेड मिलेंगे। इसके साथ आप लोगों को मेन मेन्यू भी फुल्ली अपडेट कर दिया गया विथ न्यू कवर पेज के साथ। यूनिवर्स मोड में भी आप लोगों को जितनी भी रेंडर पिक्स होती है उसको भी अपग्रेड करके जो भी करंट टाइम पे सुपरस्टार के पास टाइटल्स है उनको भी दे दिया गया है। पूरा फुल्ली अपडेटेड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बात करें रोस्टर की तो ऑलमोस्ट आप लोगों को सारे WWE के सुपरस्टार तो मिलते ही है। इसके साथ आप लोगों को AEW के सुपरस्टार भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जॉन मॉक्सली। और अगर अरीना की बात कर रहे हैं तो अरीना भी आप लोगों को जितने भी चाहिए आप लोगों को 2K 2020 में होते हैं उतने यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को न्यू फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को बैरिकेड में LED मिल जाएगी, यानी कि बैरिकेड में जब सुपरस्टार एंट्रेंस करेंगे। तो अभी तो नान खटाई वाला आ गया, थोड़ा सा मैं इस वीडियो को स्किप कर देता हूँ। मूड खराब कर दिया। तो गाइस नान खटाई वाला हम लोगों से काफी दूर जा चुका है, तो बात करते हैं वीडियो की। तो यार देखो मैं बात कर रहा था कि आप लोगों को बैरिकेड पे LED देखने को मिल जाएंगी। अब LED कौन सी, यानी मतलब आप लोगों जब भी सुपरस्टार जो भी एंट्रेंस करता है उसका टिटेंट्रो प्ले होता है। टिटेंट्रो में उसका नाम होता है जैसे रोमन रेंस करता है, फिर सेथ रॉलिंस करता है, तो उसका नेम प्ले होता है। तो वही LED पे फुल्ली आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप लोग बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं। इसके साथ आप लोगों को एप्रॉन में रिंग पोस्ट और इसके साथ अगर रिंग बैरिकेड पे आप लोगों को एंट्रेंस का जो भी टिटेंट्रो होता है वो तो मिलेगा, यानी कि रियल एंट्रेंस विद रियल एंट्रेंस म्यूजिक एंड टिटेंट्रो के साथ यहाँ पर भी न्यू फीचर्स में ऐड कर दिया गया है, जिससे कि यार आप लोगों को रियल WWE 2K 2022 की फीलिंग आने वाली है। कमेंट्री की बात करें तो ओवरऑल आप लोगों को पता है रियल कमेंट्री तो नहीं मिलेगी, बट ओवरऑल जितना भी चाहिए आप लोगों को बैकग्राउंड में कमेंट्री देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं इसको डाउनलोड कैसे करना। तो यही फीचर्स थे, बाकी बहुत सारे फीचर्स हैं बट मैं अभी गिराने बैठा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो तो आप लोग देखते नहीं हो। तो बात करते हैं इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रखा है, उस वीडियो पर क्लिक करना है। वहीं पे आप लोगों को ISO फाइल मिलेगी, PSP फोल्डर मिलेगा, और फिर उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ क्या करना है। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ISO फाइल को डाउनलोड करना होगा, वो रॉल फाइल में होगा, पासवर्ड उन्हीं की वीडियो पे मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो पे डालने के बाद वहाँ पर से एक्सट्रैक्ट करना पासवर्ड डाल के, आपको ISO फाइल मिल जाएगा। PSP फोल्डर को भी उसी तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट किस ऐप से करना है, Z आर्चीवर से करना है, ठीक है। Z आर्चीवर एप्लीकेशन होता है, और उसे एक्सट्रैक्ट करना है, पासवर्ड डाल देना है। PSP फोल्डर को मेन स्टोरेज में, ISO को जहाँ चाहो वहाँ पे कर सकते हो। फिर आप लोगों को प्ले स्टोर में जाके एक एमुलेटर डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है PPSPP एमुलेटर, और फिर उससे ओपन करके ISO फाइल को रन कराना है, आपका गेम चल जाएगा। तो जो भी था मैंने बता दिया। अगर अभी भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो यार कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। बाकी भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कि मैंने बताया कैसे डाउनलोड करना है। तो वहीं पर अगर डाउनलोड करने के जाना तो भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फुल्ली क्रेडिट उन्हीं को ही जाता है। तो बस यही था, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर देना, मेरे चैनल को भी और भाई के चैनल को भी, ठीक। तो दोनों स्टेप अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिए तो थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जब नेक्स्ट वीडियो को वेट मिलेंगे इस चैनल पे जिसका नाम है लकी अल्टीमेट। ओ मेरी जान ना हो परेशान, झूठ बोलने का कोई रीजन नहीं, ना आज कोई है ना कल कोई है, तेरे यार दा ता कोई कॉम्पिटिशन नहीं।